हेलो नमस्कार, हूँ अनंत भैर। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्नेक सेवर अनंत भैर में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे सांप के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही रेयर है। इस सांप का मिलना बहुत ही रेयर है। मैं जिस स्थान पर रहता हूँ दरभा ब्लॉक में, यह सांप तो इस एरिया में कॉमन है। बाकी आप जिस एरिया में रहते हैं उस जगह में इस सांप का देखना बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी रेयर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और दिखाते हैं आपको इस सांप को और देंगे इस सांप के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो बने रहिए वीडियो पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह जो सांप आप देख पा रहे हैं, इस सांप को मैंने अभी कुछ देर पहले ही ढोडरेपाल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढोडरेपाल के शाला प्रांगण से इस सांप को रेस्क्यू किया था, जहां पर बच्चों द्वारा इस सांप को देखा पा रहे हैं। यहां सांप, इस सांप के पहचान के बारे में बता दूँ तो इस सांप को हिंदी में भूरा लता सांप, इसका इंग्लिश में ब्राउन वाइन स्नेक, साइंटिफिक नेम अहतुल्ला एनेमाला, और लोकल बोली में, बोलचाल की भाषा में इसे कहीं कहीं धनुपंती या बोमलिटो का नाम से जानते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके एरिया में यह सांप पाया जाता है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में इस सांप का लोकल बोली में नाम जरूर बताएं। देख सकते हैं यह काफ़ी एग्रेसिव हो गया है और किस तरह अपना मुँह को वाइडन ओपन करके डराने की कोशिश कर रहा है। और अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि इसने मेरे मोबाइल पर अटैक किया था। तो बात करते हैं इस सांप के पहचान। तो इस सांप को आप देख पा रहे हैं, इस सांप का जो रंग है भूरे कलर में रंगत लिए हुए है, और इस भूरे कलर के ऊपर में आप देख पा रहे हैं जिग जैग पैटर्न में ब्लैकिश डार्क ब्लैक कलर में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, और इसका जो शरीर है पूरे भूरे कलर की रंगत लिए हुए है। तो इस सांप की मैक्सिमम लंबाई 5 से 5.5 फीट तक चली जाती है। मैंने इस सांप की जो मैक्सिमम लंबाई है 5.5 फीट की, मैंने उसका रेस्क्यू किया है दोस्तों। वीडियो के अंत में उस सांप का वीडियो क्लिप मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बात करते हैं इस सांप के पहचान की। तो इसका शुरुआत करते हैं इसके हेड से। तो अगर आप इसका हेड देख पा रहे हैं तो दोस्तों, इसका जो हेड देख पा रहे हैं बिल्कुल एरो की शेप में इसका हेड नज़र आ रहा है, और जो इसकी नोस्ट्रिल है वह काफ़ी लंबी जो, और स्नाउट है ऊपर की ओर हुक की तरह उठी हुई है। और बात करें इसके हेड आँखों की, तो इसकी आँखों को आप देख पा रहे हैं, इसकी जो आँखें हैं राउंड होती हैं, और जो इसकी आँखों की प्यूपिल हॉरिजॉन्टल शेप में आपको नज़र आ रही होगी। अगर बात कर रहे हैं इसकी आँखों की, तो बात करते हैं दोस्तों इसके विजन की। तो इसका जो विजन होता है दोस्तों, बायनोकुलर विजन जिसमें इसकी जो विजन होती है, हम ह्यूमन की तरह ही काफ़ी वाइड एरिया यह कवर कर लेते हैं दोस्तों, कंपेयर टू अदर स्नेक। जो अदर स्नेक होते हैं उनमें जो विजन होता है साइडवेज विजन होता है, लेकिन इस सांप की जो विजन होती है बायनोकुलर विजन होती है, जिसमें यह काफ़ी वाइड एरिया कवर कर लेते हैं, जिससे अपने शिकारों को ढूंढने में इन्हें काफ़ी आसानी होती है। बारिश हो रही है दोस्तों, करूँगा काफ़ी शॉर्ट वे में इस सांप के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो बने रहिए वीडियो पर। बात करते हैं इसके वेनम टाइप। तो यह जो सांप है कोलोब्रिड फैमिली के मेंबर होते हैं, और इनमें वेनम की बात करूँ तो यह माइल्डली वेनमस होते हैं। जिनसिक वेनम का असर है दोस्तों इसके शिकार पर होता है, और इस सांप का असर हम ह्यूमन्स के लिए नॉन फेटल होता है। जब यह अपने शिकार पर बाइट करता है, इसका वेनम है जो इसका वेनम होता है साइटोटॉक्सिक वेनम, प्राइमरली जो नेक्रोसिस जो इफेक्ट है दोस्तों वह देखने को मिलता है। जब यह अपने शिकार पर बाइट करता है तो इसका जो साइटोटॉक्सिक वेनम है धीरे धीरे उस शिकार का जो मांस को है गलाना शुरू कर देता है। जो साइटोटॉक्सिक वेनम का जो काम होता है प्राइमरली टिश्यूज को डैमेज करना हो। काफ़ी बारिश हो रही है, यह काफ़ी अग्रेसिव हो गया है और अपने शरीर को फुलाने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी वाइड ओपन करके डराने की कोशिश कर रहा है। यह एक मेल वाइन स्नेक है, इसमें मेल और फीमेल को पहचानना बहुत ही आसान है दोस्त। देख पा रहे हैं
इसका जो कलर है वाइटिश ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। जब यह इनहेल करता है तो इसका जो पेल ग्रीनिश कलर है वह आपको दिखाई देगा। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। यह जो सांप होते हैं सेक्सुअली डाइक्रोमेटिक होते हैं। सेक्सुअली डाइक्रोमेटिक का अर्थ आपको पता चलो उसमें सेक्स के हिसाब से यह सांप अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं यह येलोइश ग्रीनिश कलर में दिखलाई पड़ रहा है, तो यह मेल है। और जो फीमेल होते हैं पूरी तरह से ब्राउन कलर में दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, तो देख पा रहे हैं इसके शरीर के ऊपर ब्लैक डार्क ब्लैक कलर में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं जो कि शरीर के मिडिल पार्ट तक जाती है। और जो इसके इसका जो पूंछ देख पा रहे और इसका आप पूंछ देख पा रहे हैं दो की लंबी है, जो कि एर्बोरियल स्नेक की पहचान है। इस लंबी पूंछ के कारण इस सांप को कहीं कहीं वीप स्नेक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वीप यानी कि चाबुक हंटर, इस कारण इसे वीप स्नेक भी कहा जाता है। काफी लंबी इसकी पूंछ होती है, जो टेल है इसकी काफी लंबी होती है। और जो इसकी पूंछ होती है दोस्तों एर्बोरियल, जितने यह जो सांप बताता चलो दोस्तों यह एक एर्बोरियल स्नेक है और यह ड्यूरनल होते हैं, दिन के समय ही यह एक्टिव दिखलाई पड़ते हैं। मैं बात कर रहा था इसके पूंछ की, जो इसकी इतनी लंबी पूंछ होती है यह पूंछ इन्हें पेड़ों पर ग्रिप बनाने में काफी हेल्प करते हैं। और यह जब शिकार करते हैं तो आपको बताता चलो यह जो पूंछ होती है कुछ इस तरह से आप ग्रिप बना के ग्लाइड करके अपना शिकार करते हैं या फिर, और जब यह देख सकते हैं दोस्तों एग्रेसिव हो गया है और इसने अभी अभी मेरे कैमरामैन पर अटैक करने की कोशिश की। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बने रहिए, बहुत ही जल्द इस सांप को यहाँ रिलीज कर दूंगा। तो बात कर रहा था इसके शिकार की, तो यह जब वुडन सरफेस पर होते हैं दोस्तों तो इसका जो कैमोफ्लाज है काफ़ी शानदार काफ़ी तगड़ा होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप देख पाएंगे दोस्तों जो यह वुडन सरफेस पर अगर इसको रख दिया जाए तो इसका कैमोफ्लाज कितना शानदार तगड़ा होता है। अगर इसे यहाँ रख दिया जाए तो इसका जो शरीर है वाइन की तरह दिखने लगता है, जिससे जो इनके शिकार हैं इन्हें समझ नहीं पाते हैं और आसानी से इस सांप का शिकार हो जाते हैं। आप इसके हेड को देखिए दोस्तों, एक बार गौर से देखिए इसके हेड को, तो काफ़ी अग्रेसिव हो गया है, बार बार अटैक कर रहा है। इसके हेड को देखिए, तो इसके हेड को देखिए दोस्तों, जो इसका हेड का शेप है अगर यह इसे वुडन सरफेस पर रख दिया जाए तो यह इस तरह से बना हुआ है। कुदरत ने इसकी जो हेड की शेप है इस तरह से कारीगरी की है दोस्तों कि इसका हेड आपको सूखे पत्ते की फील दे देगा। और अगर इसे वुडन सरफेस पर रखा जाए तो एक आम इंसान के द्वारा इसे, या आम इंसान तो छोड़िए दोस्तों, किसी के भी द्वारा इस सांप को वुडन सरफेस पर स्पॉट ऑन या आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे हाथ में यह सांप है। अगर इसे यहाँ पर छोड़ दिया जाए, हमें पता है कि इस जगह पर सांप है, तो हम इसे आसानी से पहचान पाएंगे। लेकिन अगर अचानक से कोई इंसान इधर से गुजर जाए तो उसके लिए इस सांप को आइडेंटिफाई या स्पॉट ऑन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो बात करते हैं इसके फीड्स की दोस्तों। इसके फीड्स में शामिल है लिजार्ड्स और स्मॉल बर्ड्स, फ्रॉक्स, जिन्हें यह जकड़ कर अपना शिकार बना लेते हैं। बात करें इसके रिप्रोडक्शन की दोस्तों, तो इसके रिप्रोडक्शन यह सांप ओवोविविपेरियस होते हैं। ओवोविविपेरियस का मतलब दोस्तों इसमें इस सांप के जो अंडे होते हैं पेट के अंदर ही हैच हो जाते हैं और यह डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। इसके बच्चों को मैंने पिछले हफ्ते ही रेस्क्यू किया था दोस्तों, और इस रेस्क्यू में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेमलाल मांझी, जो कि अभी कैमरे के पीछे में कैमरामैन बने हुए हैं और इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। उनकी मदद से मैंने पिछले हफ्ते ही कुल 11 बेबीज ब्राउन वाइन स्नेक को रेस्क्यू किया दोस्तों, जहाँ उसके रेस्क्यू का वीडियो रिलीज के वीडियो मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, तो वीडियो को कृपया लास्ट तक ज़रूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस सांप के हैबिट की, तो यह सांप ड्यूरनल होते हैं और कंटीली झाड़ियों पत्तेदार झाड़ियों में यह अपना आवास बना लेते हैं।
वहीं बात करते हैं इसके, बात कर रहे थे दोस्तों इसके रिप्रोडक्शन की। तो यह सांप अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में यह बच्चों को जन्म देते हैं, जिनमें 7 से लेकर 14 की संख्या होती है इनके बच्चों की। तो मेरे ख्याल से इस सांप की बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है दोस्तों। फिर भी इस सांप के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मेरे द्वारा छूट गई है और जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब देने की। और आपके लोकल एरिया में इस सांप को किस नाम से जाना जाता है, क्या आपने इस सांप को कभी देखा है? दरभा, मैं जिस एरिया में रहता हूँ दोस्तों में यह सांप कॉमन है। दरभा और बास्तानार एरिया में यह सांप कॉमन है, बाकी जगह में शायद ही यह सांप दिखलाई पड़ता हो। तो एक बार फिर से बताता चलूँ दोस्तों, इस सांप को हिंदी में भूरा लता सांप, इंग्लिश में कॉमन ब्राउन वाइनी स्नेक, और साइंटिफिक नेम अहतुल्ला एनोमोला। इसमें आपको बताता चलो दोस्तों कि इसका जो साइंटिफिक नेम है, पहले अहतुल्ला नासुता था, जिसे अभी रिसेंट स्टडी में जब इसके मॉर्फोलॉजी को एनालिसिस किया गया तो उसमें कुछ डिफरेंस पता चला, इस वजह से इस सांप का जो साइंटिफिक नेम है चेंज करके अहतुल्ला नासुता से बात कर रहा था दोस्तों इसके साइंटिफिक नेम की। तो रिसेंट स्टडीज में जब इसके मॉर्फोलॉजी को एनालिसिस किया गया दोस्तों, तो कुछ डिफरेंस इस सांप के बारे में पता चला, तो इस सांप का नाम अहतुल्ला नासुता से चेंज करके अहतुल्ला एनोमोला इस सांप का साइंटिफिक नेम रखा गया है। तो मेरे ख्याल से इस सांप की जानकारी काफ़ी है दोस्तों। तो इस सांप को यहाँ इसे इसके प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह दोबारा मानव बस्ती की ओर दखल नहीं देगा। और यह जो जगह है मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, यह इसी जगह में ही रहना पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह जो इनका निवास आवास होता है वह पत्तेदार झाड़ियों कंटीली झाड़ियों में ही रहना पसंद करते हैं, जहाँ इन पर इनका जो शिकार होते हैं लिजार्ड्स और छोटे छोटे स्मॉल बर्ड्स फ्रॉक्स, जिन्हें यह बड़ी आसानी से अपना भोजन बना लेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह अभी अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाएगा। Hello? तो चलिए इस सांप को यहाँ रिलीज कर देते हैं। ये आवाज़ नहीं कर मैं वीडियो बनाए। वीडियो बनाऊं ना।